नमस्ते जी सभी को कैसे हैं सब आशा करती हूँ सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी तो आप सोच रहे होंगे वैसे तो फ्रूट कस्टर्ड बोल रही है लेकिन क्या दिखा रही है तो ये मेरा ना जो घर का सरमान होता है कैंटीन वगैरह से भी लेके आते हैं बाज़ार से लेके आते हैं वो आया हुआ रखा था तो मैंने सोचा पहले इसको लगा देती हूँ तब आपसे शेयर करूँगी रेसिपी कि मैंने कैसे बनाई और ये जो पुराना सामान होता है पहले मैं इसको निकाल रही हूँ सारा बाहर और जो नया आया है पीछे नए वाला लगा दूँगी और पुराना आगे लगा दूँगी इससे ना चीज़ें एक्सपायर नहीं होती और पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है या कम है हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं पहले से भी रखी थी और फिर भी आ गई हैं तो इसलिए मैं सारा सामान निकाल रही थी इस अलमारी में एक साइड में ये जो मिरर वाला हिस्सा है मतलब दरवाजे में मिरर लगा हुआ है इसमें तो चीज़ें ना बाहर से ही दिख जाती है कहाँ क्या रखा है किसी को ढूंढना नहीं पड़ता इसमें चार पांच वो बने हुए हैं ड्रोर तो मैं उन्हीं में ये सारा सामान इस तरह का रख देती हूँ क्योंकि घर बहुत बड़ा नहीं है इस्पेस की काफ़ी दिक्कत है तो सामान को थोड़ा एडजस्ट करके ही रखना पड़ता है तो ये मैंने सारा सामान निकाल लिया है इसमें से बाहर अभी भी बचा है वो सब मैं निकाल दूँगी और फिर इसको मतलब अच्छे से रख दूँगी ताकि अगर मैं घर पे भी नहीं हूँ कहीं और ढूँढना पड़ जाए तो इजी सब चीज़ मिल जाती है और ये तो आप सभी करते ही हैं कि सामान मंथली ही आता है रोज़ रोज़ कौन मार्केट जाए तो इसलिए सभी चीज़ें एक बार इकट्ठी आके रखी जाती हैं किचन का तो किचन में ही रख देते हैं लेकिन जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो ही मैं यहाँ पे रखती हूँ और सबको हमारे घर में यही की आदत पड़ी हुई है कुछ सामान ख़त्म होता है वो यहीं ढूंढते हैं तो इसलिए सब यहीं रखा रहता है और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में ही अभी इस काम के बाद मैं बनाऊँगी फ्रूट कस्टर्ड तो उसकी रेसिपी बाद में ही है बस ये थोड़ा सा काम चलिए जी काम हो गया है ख़त्म सारा सब कुछ लग गया है सामान अब कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने ये अमूल का दूध लिया है फुल क्रीम वैसे तो घर में दूध था लेकिन मैंने ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो इसलिए ये वाला मंगाया है इसे मैं इन्हें दोनों पैकेट को काट के और भगोने में निकाल लूँगी और फिर उबलना रखने देते हैं ये मैंने निकाल लिए हैं दोनों पैकेट इसमें दूध और इसे कस्टर्ड घोलने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा आधा कप दूध अलग निकाल लूँगी ठंडा क्योंकि गर्म दूध में कस्टर्ड नहीं घुलता और लाइट चली गई एकदम से बड़ी लाइट जल रही थी ना तो रोशनी अच्छी थी कोई बात नहीं लाइट आ जाएगी तब तक हम दूध उबलना रख देते हैं गैस ऑन करके मैंने दूध उबलना रख दिया है अब इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना और उबले भी ना तो जब तक ये उबल रहा है लाइट भी आ गई जब तक ये उबल रहा है हम जो हमने कटोरी में अलग दूध लिया है इसमें कस्टर्ड घोल लेते हैं ये मेरे पास रखा था ये जो ग्रीन निशान है इस पर ये निशान होता है जिस पर उससे पता लगता है कि बिल्कुल वेज है इसमें अंडा वगैरह कुछ नहीं पड़ा है जिस पर रेड निशान होता है उसमें अंडा पड़ा होता है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो यही मैं बना लूँगी ये एक किलो दूध में मुझे चार चम्मच लेना है ढाई सौ ग्राम में एक चम्मच के अकॉर्डिंग तो एक किलो दूध है तो मैं चार चम्मच ले लूँगी मेरे चार चम्मच हो गया है अब इसको मैं इसे अच्छे से इसमें दूध में मिक्स कर दूँगी ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और जब हम इसको दूध में डाल लेंगे उबलते हुए दूध में तब भी हम इसको एक बार चला के तब डाल लेंगे अच्छे से ऐसे मिक्स करके डाल लेंगे ये तली में बैठ जाता है घुलने के बाद देखो दूध में बॉईल आ गया है एक दो मिनट पका लेंगे इसको थोड़ा और गाढ़ा सा हो जाए और इसमें अब मैं डाल दूँगी चीनी मैंने एक किलो दूध में एक मीडियम कटोरी चीनी डाल ली है हमारे यहाँ ठीक ही मीठा खाते हैं सब अच्छा तेज सा और अगर आप कम खाते हैं तो आप आधा कटोरी डाल लें और नहीं तो आप जैसा आप खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मीठा देखो दूध में बॉईल आ गया दोबारा से मीठा डालने के बाद भी चीनी घुल चुकी है इसमें अच्छे से और मैं इसे लगातार चला रही हूँ ताकि ये निकले ना और नीचे लगे भी ना क्योंकि लगने के बाद ना कस्टर्ड का टेस्ट चेंज हो जाता है अब इसमें मैं ये कस्टर्ड जो मैंने घोल के रख रखा था इसे अच्छे से चला लूँगी और अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करते रहेंगे दस से बीस सेकंड में ही दूध गाढ़ा हो जाता है इसे डलने के बाद लेकिन इसको हमें कम से कम है तीन से चार मिनट अच्छे से पकाना है तब तक इसमें कहीं बॉईल नहीं आ जाते क्योंकि कस्टर्ड भी कच्चा नहीं रहना चाहिए और अगर जा, कच्चा सा रह जाता है ना तो ठंडा होने के बाद अजीब सा हो जाता है और अगर अच्छे से पका होगा तो ठंडा होने के बाद अच्छा लगता है और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है देखो मैं इसमें कंटिन्यू अब कस्टर्ड डालने के बाद तो आप इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चलाते ही रहना है कंटिन्यू वरना ही बहुत जल्दी लग जाता है नीचे देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया ये अब ऑयल भी आ गया इसमें बोइल आने के बाद भी मैंने दो मिनट इसको पकाया है अच्छे से खदक रहा है देखो जितना गाढ़ा होना था ये अभी ओलेगा फिर ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा नहीं होगा तो इसलिए आप इसे अच्छे से पका लें अभी अभी ऑलमोस्ट पक चुका है तो अब इस डिश इस स्टेज पे आप गैस बंद कर सकते हैं ठीक है गैस ऑफ कर दूंगी और इसे रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर आने के लिए ठंडा हो जाएगा थोड़ा क्योंकि अभी बहुत गर्म है और तब तक मैं फ्रूट काट के तैयार कर लेती हूँ सभी फ्रूट्स में मैंने ये अनार लिए हैं और अंगूर हैं आम हैं और सेब है आपको जो पसंद है फ्रूट आप वो डाल सकते हैं केला भी डालें तरबूज और खरबूजा वगैरह नहीं डालते बाकी सब तो चीज़ डाल लेते हैं जिसको जो पसंद है अपनी पसंद के फ्रूट आप डाल सकते हो इसमें और ये अनार अच्छे से साफ़ कर लें जो पीला पीला सा लगा रहता है इन पर बीज दानों पे ये हटा दें वरना इससे कड़वापन आ जाता है तो मैंने ये सारे अनार अच्छे से साफ कर लिए ऐसे ही मैं एप्पल और ये आम भी काट के तैयार कर लूँगी बारीक बारीक टुकड़ों में और टुकड़े आप अपनी पसंद के कर सकते हैं बारीक मोटे जैसा आपको पसंद हो और मेरे पास चॉपिंग बोर्ड भी है लेकिन मैं हाथ से ही जल्दी काट लेती हूँ फिर चॉपिंग बोर्ड को धो के रखो ये वो तो मैं सारे फ्रूट काट के तैयार कर लूँगी आम को भी पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी आम का सीजन है तो आम टेस्टी लगते हैं इसमें अंगूर को भी दो हिस्सों में कर लूँगी आप लंबे भी काट सकते हैं चाहे तो ऐसे काट लें दो हिस्से कर लें या तीन कर लें वो तो आपकी अपनी खुद की मर्जी है कि आप किस तरह काटना चाहते हैं ये जो आज का दूध था गरम -गर -गर करके रखा था उसके ताज़े दूध की ही मलाई है दो तीन चम्मच मैंने ली है इसको मैंने अच्छे से फेट लिया क्रीम सी बना ली इसकी अगर आपके पास अमूल की क्रीम है तो अमूल की क्रीम डाल सकते हैं आप और नहीं है तो कुछ भी मत डालिए कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे भी टेस्टी लगता है लेकिन थोड़ा सा मलाई डालने से और थोड़ा टेस्टी हो जाता है तो मैंने ये ठंडा हो गया अब क्योंकि फ्रूट काटने के भी मैंने इसको दस मिनट बाद देखा तो ये काफ़ी ठंडा हो गया था अब इसमें हम फ्रूट मिला सकते हैं इतना ठंडा हो रखा है ये अब मैं इसमें ये इस सारे फ्रूट जो मैंने काट के तैयार करे थे वो इसमें मिला दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी फ्रिज में और आप फ्रिज में इसे जब रखें ढक्कन लगा के रखें नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी बन जाएगी दो घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें तो ये अच्छा ठंडा हो जाएगा ठंडे होने के बाद ही टेस्टी लगता है अब मैं डिनर में बना रही हूँ पुलाव ये वही मटर हैं जो मैंने सफल मटर की रेसिपी आपको दी थी कि आप सफल मटर घर पे कैसे बना सकते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं इसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगी और देखो मैं जब जब भी मुझे ज़रूरत होती है थोड़ी इसमें से निकालती हूँ और यूज कर लेती हूँ इनका कलर भी देखो बिल्कुल ग्रीन है कलर भी चेंज नहीं हुआ है एक मंथ हो गया इनको मेरे पास रखे हुए मैं पुलाव छोक रही हूँ ये तो मैंने ऐसे ही बस डाल दी वीडियो एक वीडियो के साथ कि मैं क्या बना रही हूँ डिनर में ये मैंने तेल चढ़ा दिया इसमें कुछ खड़े मसाले जीरा हींग और प्याज डाल दी है प्याज को सुनहरी होने तक भून लेंगे इसमें मैं सारे सूखे मसाले डाल दूंगी लाल मिर्च धनिया पाउडर नमक हल्दी और इसमें डाल दूंगी ऐसे दो मिनट के लिए ढक देंगे देखो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं और अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल ये चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे मटर आलू इसमें डालूंगी मैं एक कटोरी और ये दो कटोरी में से मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया क्योंकि चावल मैंने पहले से भिगो के रख रखे थे अगर भिगोती नहीं तो पूरा दो कटोरी पानी डालती मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं एक सिट्टी आने तक मैं इसको पकाऊंगी एक सिट्टी आई उसके पाँच मिनट बाद मैंने इसको खोल दिया कुकर को देखो आप कितना एकदम फर्स्ट क्लास पुलाव बन के तैयार हो अलग अलग एक दाना अब मैं इसे निकाल लूंगी एक बड़े फैले हुए बर्तन में क्योंकि कुकर में चिपक जाता है देखो एक भी दाना नीचे भी नहीं लगा कुकर एकदम साफ़ निकला है नीचे से और चिपका हुआ पुलाव बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं तो मैंने थोड़ा इसमें ठंडा कर दिया है बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि खड़े मसाले डाल ले थे ना इसमें और ये कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ क्योंकि डिनर बच्चों के पास जा चुका है स्वीट डिश भी ले जाऊं और बच्चों को खिला कर पूछूँगी कि कैसी बनी है आ जाइए आप भी खा लीजिए हम तीनों के लिए लगा ली है कटोरी आ गई हूँ मैं बैठक में लेके बच्चों के पास बच्चे डिनर कर रहे हैं मेरा भी रखा है खाना ये यहीं पे गुलाब है और बूंदी का रायता है और ऐसे से पूछ। खा रहा है अब कैसा बना है सुपर वेरी गुड तो कस्टर्ड बनाया बहुत टेस्टी आ जाइए आप भी खा लीजिए और डिनर कर रहे हैं बच्चे मैं भी करती हूँ और जो जो आज बनाया वो सब आपके साथ शेयर किया क्या क्या काम किया क्या क्या, क्या, क्या डिश बनाई और प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के और लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं तो इंजॉय करिए वीडियो को और मिलती हूँ अपनी और किसी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय